दोस्तों वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि हाल ही में यूपी टेट की जो तारीख है वो दिसंबर में तय किए जाने के प्रस्ताव के बाद अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है, हलचल मच गई है और ये लगातार पूछा जा रहा है सवाल, कभी कॉमेंट्स में, कभी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, तो कभी टेलीग्राम पर। देखिए कुछ बातें जो हम आपको बताएंगे वो आपको कड़वी लगेंगी, बट सच्चाई यही है। और आपको करना क्या है, अगर आप लखनऊ धरने में 2 तारीख को नहीं पहुंच पाए हैं तो आपको क्या करना है, और शिक्षक भर्ती विलंब क्यों हो रही है, कब तक आ सकती है। कुछ लोगों तक यहाँ तक भी कमेंट किया कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, हमने पेट का भी फॉर्म नहीं भरा था वरना हम अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते, लेखपाल वगैरह की, तो इसलिए हम पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दिए। देखिए नॉलेज आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाता, तो आप पढ़ाई जारी रखें, ठीक है, 2 घंटे कम से कम डेली पढ़ाई करें, आधे घंटे डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, आधे घंटे डेली मैथ्स लगाएं और 1 घंटे में आप अन्य सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट या फिर थ्योरी चैप्टर वाइज लगाएं। अब हम बात करेंगे आपको करना क्या है, शिक्षक भर्ती आ क्यों नहीं है, विलंब क्यों हो रहा है। देखिए कारण है शिक्षक भर्ती ना आने का, पहला तो कोविड, स्कूलों का बंद होना, पहले भी हमने आपको कहा था। दूसरा कारण ये है कि सरकार अपने कार्यकाल में 2 बड़ी शिक्षक भर्तियां कर चुकी हैं, भले ही वो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, बट सरकार तो अपनी पीठ थपथपाएगी, अपनी वाहवाही लूटेगी कि हमने 2 भर्तियां की हैं, वो छोटी मोटी नहीं, 10-5 हजार की नहीं, 68,500 पद, ये सरकार के हिसाब से हम बोल रहे हैं जो सरकार कहती है, और 69,000 पद, मतलब छोटी मोटी भर्ती नहीं है, भले ये 10-20 लाख संख्या में बेरोजगार बैठे हैं बीएड बीटीसी करके, लेकिन यहां पर सरकार 2 बड़ी भर्तियां कर चुकी है, ठीक है। तो अब कुछ चीजें जो है सरकार अगले अपने 5 वर्ष के लिए रखेगी। अब आप कहेंगे अगले 5 वर्षीय तो इनकी सरकार बनेगी नहीं, ये आपको लगता है ना, बट जो सत्ता में बैठा है उसको लगता है कि अगले 5 साल भी हमारे हैं, वो पूरी तैयारी से, चुनाव की तैयारी से और हर तरीके से वो अगले 5 साल की भी दावेदारी कर रहा है। तो अगले साल जैसे ही ये इलेक्शन होगा उसके बाद सरकार बनती है, नई भर्ती आएगी। और अगर आप लखनऊ धरने में नहीं जा पाए हैं तो क्या करना है आपको, उस पर भी हम बात करेंगे तथ्यों के साथ। आज के न्यूज़पेपर में एक पॉजिटिव संकेत है आपके लिए, परिषदी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है, 1.85 करोड़ संख्या पहुंची। इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब स्कूलों में बच्चे होंगे तो निश्चित रूप से टीचरों की कमी महसूस होगी, जब स्कूलों में बच्चे ही नहीं होंगे, कक्षा में बच्चे ही नहीं जाएंगे, तो टीचर की वैकेंसी किस आधार पर निकाली जाएगी। यहां पर कहा जा रहा है लखनऊ से प्रकाशित खबर में, प्रदेश के परिषदी विद्यालयों में विद्यालयों की संख्या बढ़ करके 1.85 करोड़ तक पहुंच गई है, इस वर्ष स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है, ठीक है, लाखों की संख्या में इजाफा हुआ है, 1,17,068 बच्चे नए एडमिशन लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आप जिस भी गांव से हैं, जिस भी शहर से हैं, अगर आपको आसपास कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको आप सरकारी स्कूल में एडमिशन करने के लिए प्रेरित करें, उसको आप लाभ बताएं कि यहाँ पे आपको ड्रेस मिलेगा, बस्ता मिलेगा, ठीक है, मिड डे मील का पैसा भी मिलेगा, यानी जो भोजन बनता है उसका भी पैसा अकाउंट में जाने लगा है, और जो सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल में वजीफा हो गया, ड्रेस हो गया, और समय समय पे बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती रहती बच्चों के लिए, तो इन लाभ को आप बताएं, ताकि अगर आप सोच लीजिए, अगर आप एक पद चाहते अपना शिक्षक भर्ती में, अगर आप 1 बच्चा या 2 बच्चे का एडमिशन कराएंगे अपने एरिया में प्राथमिक स्कूलों में, तो ऐसे संख्या हजारों में बढ़कर के लाखों में धीरे धीरे परिषदी स्कूलों में संख्या बच्चों की बढ़ेगी। जब संख्या बच्चों की बढ़ेगी तभी तो टीचरों की कमी महसूस होगी, बच्चे ही नहीं जाते हैं तो टीचर भर करके सरकार क्या करे, आपको बैठा करके सैलरी दे घर में लॉकडाउन में। यही सब चीजें हैं, आपको अब क्या करना है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 2020-21 में परिषदी स्कूलों में इतने विद्यार्थी थे, है ना, 1,83,72,932 को आप कैलकुलेट करेंगे, अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 1.85 करोड़, यानी 1.85 करोड़ से अधिक हो गई है। सरकार की ओर से इन स्कूलों के कायाकल्प के साथ विद्यार्थियों को निशुल्क जूता, मोजा, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर वितरित करने से इजाफा हुआ। तो ये सब लाभ आप अपने एरिया के बच्चों को बताइए जो इधर उधर टहलते रहते हैं, आप कहीं कोई बच्चा मिल जाए भीख मांगते हुए, आपकी गाड़ी साफ करते हुए कहीं आप जा रहे, तो उसको बताएं कि आरटी 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, और आप स्कूल में उसका एडमिशन कराइए, वहां पे आई थिंक टीसी वगैरह भी नहीं मांगा जाता है, आप एडमिशन कराइए, ताकि जब
स्कूलों में बच्चे पहुंचेंगे, एडमिशन होंगे, तो डेटा इकट्ठा किया जाएगा कि इतने बच्चे हैं, इतने पे इतने होने चाहिए। आपने आरटीई में पढ़ा होगा ना कि इतने प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक इतने बच्चों पर इतने अध्यापक होने चाहिए, है ना, ये आपने डेटा पढ़ा होगा। उस आधार पे जब बच्चों की संख्या होगी स्कूल में तो टीचरों की कमी महसूस होगी, तब शिक्षक भर्ती आएगी। आप पढ़ाई जारी रखिए, इलेक्शन के बाद कभी भी शिक्षक भर्ती आ सकती है, ये आप मान करके चलिए। नहीं भी आएगी तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, ना पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ पढ़ें, ऐसा नहीं कि आप पूरा सब कुछ पढ़ रहे, बट कुछ कुछ आप पढ़ते चलें, ये आपकी जानकारी बढ़ेगी, ये अन्य एग्जाम में भी आपको मदद करेगा। तो जो लोग धरना प्रदर्शन में नहीं जा पाए थे किसी भी कारण से, वो लोग इतना काम जरूर करें और सकारात्मक सोचें। बहुत ही जल्द आपको हो सकता है इलेक्शन के पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए, परीक्षा ना हो पाए, या हो सकता है इलेक्शन के बाद, या हो सकता है सरकार अपने घोषणा पत्र में इस बात को लिखे कि हम इतने पदों पर भर्ती करेंगे, आप लोग हमें एक बार मौका और दीजिए, हमने इतने पदों पर पिछले कार्यकाल में भर्ती की थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें।